वहीं कोलकाता में गंगा काउंसिल की बैठक होने जा रही है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल ये बैठक होगी। बैठक में कई प्रदेशों के सीएम शामिल होंगे। बैठक में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर भी चर्चा होगी। गंगा की निर्मलता को लेकर बैठक में मंथन होगा। बैठक को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान अब सामने आया है। नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रदेश में जो काम हुआ है, ऋषिकेश तक गंगा जल की गुणवत्ता ए श्रेणी में अब आ गई है। सीएम धामी ने अपने बयान में ये कहा है। कल कोलकाता में ये अहम बैठक होने जा रही है और सीएम धामी कोलकाता पहुंच चुके हैं और कल की बैठक कई मायनों में अहम होने जा रही है। सुरेंद्र संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, कल जो बैठक होने जा रही है कई मायनों में राज्य के लिहाज से ये अहम होगी। नमामि गंगे के तहत जो काम हुए हैं उसको लेकर भी समीक्षा और भविष्य में क्या रणनीति बनेगी उसको लेकर भी बातचीत। देखिए, बिल्कुल, नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक कल कोलकाता में है। उसके लिए मुख्य सचिव ने भी एक बैठक कल ली थी और आज उसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं, कोलकाता पहुंच चुके हैं और वहां पर कल इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली बैठक जो कानपुर में हुई थी उसमें जो निर्देश दिए गए थे उसका राज्य सरकार ने पूरा पालन किया है। गंगा के किनारे जो जो उत्तराखंड के शहर पड़ते हैं, गंगा के किनारे उत्तराखंड में जो भी गांव पड़ते हैं वहां का विकास कैसा है और वहां से अगर गंगा की ओर किसी भी तरह से किसी कारखाने का किसी फैक्ट्री का पानी जाता है तो उसकी स्थिति क्या है, एसटीपी पर कितना काम हो रहा है और कोई भी जो फैक्ट्री का जल है वो बिना एसटीपी से गंगा में न जाए, इसके निर्देश दिए गए थे। इस पर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। दूसरा, मुख्यमंत्री का यह कहना है कि गंगा काउंसिल की बैठक में जो निर्देश दिए जाएंगे राज्य सरकार उस पर भी काम करेगी क्योंकि उत्तराखंड की जिम्मेदारी इसलिए बहुत बढ़ जाती है, यहीं से गौमुख से गंगा का उद्गम है तो यही ऋषिकेश हरिद्वार में लाखों लोग गंगा में स्नान के लिए आचमन के लिए आते हैं तो इसलिए राज्य सरकार की वो पूरी कोशिश है कि गंगा उत्तराखंड से कम बेहतर तरीके से निर्बाध आगे की ओर बहती रहे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल की बैठक राज्य के लिहाज से बेहद अहम, नमामि गंगे के तहत जो कार्य अभी तक हुए हैं उसको लेकर भी समीक्षा होगी, साथ ही भविष्य की रणनीति को लेकर भी चर्चा कल होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के उद्देश्य से उत्तराखंड में चल रही नमामि गंगे परियोजना के सार्थक नतीजे आए हैं। इस दिशा में और बेहतर कदमों को देखते हुए राष्ट्रीय गंगा परिषद की 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली बैठक को राज्य के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड है, नमामि गंगे अभियान को बढ़ाया जा रहा है, ऋषिकेश तक हमें ए श्रेणी का जल मिल रहा है। दरअसल गौमुख से लेकर हरिद्वार तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में गंगा परिषद की बैठक कलकत्ता में आयोजित हो रही है और इस बैठक में गंगा के उद्गम स्थल से लेकर जितने भी राज्य आते हैं उन सभी राज्यों की ये बैठक है और इस बैठक में विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत महत्व है क्योंकि गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है और लगातार जो गंगा सफाई का अभियान नमामि गंगे के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है उसको हम लोग लगातार उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। हमने गंगा के उद्गम स्थल से लेकर ऋषिकेश तक गंगा के सफाई अभियान को लगातार गति देने का काम किया जिसके कारण से कि ऋषिकेश तक हमने ए श्रेणी का गंगा का जो जल है ए श्रेणी का हमको मिल रहा है, ए श्रेणी का प्राप्त हो रहा है। वहीं ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार जहां तक उत्तराखंड की सीमा है वहां तक बी श्रेणी का है। जितने भी हमारे जो नाले थे 132 नाले उन सभी को टेप कर दिया गया है, एसटीपी प्लांट लगा दिए गए हैं, गंगा के जो घाट हैं उन घाटों पर सफाई का काम, सौंदर्यीकरण का काम, पर्यटन की दृष्टि से हम लोगों ने उसको साफ स्वच्छ रखने का काम किया है, साथ ही साथ लोगों को रोजगार देने का भी काम इस पर हुआ है। और चलिए अब आपको बताते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से उस पर काम चल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा समझाते हैं, वो आप समझिए। गौमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा 405 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। साल 2017 में प्रदेश में गंगा की निर्मलता को लेकर ये काम शुरू हुआ था। नमामि गंगे से जुड़े 65 प्रोजेक्ट पर अब काम चल रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें पिछले 5 साल में गंगा की निर्मलता को लेकर कई काम किए गए हैं। गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए व्यापक स्तर पर यहां काम हो रहा है। गंगा प्रहरी,
नमामि गंगे और टास्क का गठन किया गया था। 30 दिसंबर को कोलकाता में समीक्षा बैठक अब ये कल होने जा रही है, जिस पर चर्चा होगी। पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। और वही गौमुख से लेकर हरिद्वार तक, जो हम आपको बता ही रहे थे कि 405 किलोमीटर तक की ये गंगा जो है वो दूरी तय करती है, और उसी को लेकर कल चर्चा होने जा रही है, जो कई मायनों में अहम है। सुझाव भी दिए जाएंगे तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ से कि और बेहतर काम कैसे किया जा सकता है। धामी सरकार की पहल रंग लाई है। करीबन आपको बता दें कि मंडुआ की खरीद जो है उसको मंजूरी मिल गई है। मंडुआ खरीदने के फैसले पर सीएम ने खुशी जताई है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि एक बड़ा फैसला है जो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। मोटे अनाज के खरीद को अनुमति दी गई है। लगभग 0.096 लाख मीट्रिक टन की मंडुआ खरीद को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के अनाजों को अब नई पहचान मिलेगी। मंडुआ खरीदने के फैसले पर सीएम ने खुशी जताई है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का भी आभार जताया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम धामी की मेहनत यहां पर रंग लाती हुई नजर आ रही है। करीबन 0.096 लाख मीट्रिक मंडुआ जो है उसकी खरीद को अब मंजूरी मिल गई है। तो मंडुआ खरीदने के फैसले पर सीएम ने खुशी जताई। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों ने भारत सरकार को एक अनुरोध किया था कि उत्तराखंड राज्य का जो हमारा मोटा अनाज है मंडुआ, उसको जो है जो हमारा अनाज बांटा जाता है जो भारत सरकार की योजना में, उसमें उसको सम्मिलित किया जाए, तो उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। और इसकी सहमति होने से जहां हमारे बच्चों को ये मोटा अनाज मिल पाएगा मंडुआ, जो कि पौष्टिक भी है हर प्रकार से, वहीं उसके उत्पादकों को एक बड़ी मार्केट मिलेगी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर